पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में मल्टी एजुकेशन पॉइंट का वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। कार्यक्रम का संचालन रोजी वर्मानी तथा दीपिका कुमारी वर्मानी ने किया है। मुख्य अतिथि नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष व एग्रीन मैन सरदार परमजीत सिंह पम्मा ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति तथा इंटरनेट गेम से दूर रहने की सलाह दी है। पम्मा ने विद्यार्थियों को अपने हाथ से अवार्ड तथा सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया है। इस कार्यक्रम में अन्य अतिथि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। आंचल मनोचा, अंजू शर्मा, रश्मित कौर, बिंद्रा, सुमित अरोड़ा, आफरीन, सपना राज, सुमन तोमर, ज्योति शर्मा, उषा अरोड़ा, मोहिनी सचदेवा, तजेंद्र सिंह सोडी तथा अन्य कई संस्थाओं से आए हुए साथियों ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व रोजी वर्मानी ने कहा है कि बड़े दुख की बात है कि जो मोबाइल सुविधा के लिए आया था वही आज बच्चों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। ऑनलाइन गेम्स में खेलने के कारण ना ही ये लोग अन्य गतिविधियां कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ पा रहे हैं। कई बच्चे तो ऑनलाइन गेमों के कारण आपराधिक घटनाएं भी कर चुके हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।